नॉलेजेबल फैक्ट को जानने के लिए रेडी हो जाओ। फैक्ट नंबर 20, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहीं और नहीं बल्कि इंडिया के गुजरात में है और इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसमें 1,32,000 सीट्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 19, लंदन के बारबीकन सेंटर में एक कर्व गैलरी है। उसमें एक ऐसा रूम है जिसमें आर्टिफिशियली बारिश होती है और इसकी खास बात यह है कि अगर आप उस रूम में जाएंगे तो नहीं भीगेंगे, मतलब कि रूम में सभी जगह बारिश होगी लेकिन जहां पर आप रहेंगे वहां पर बारिश नहीं होगी और ये सब सेंसर की मदद से होता है। फैक्ट नंबर 18, नीदरलैंड में गेथरोन नाम का एक गाँव है। इस गाँव में आने जाने के लिए रोड नहीं बल्कि पानी का स्ट्रीम है, मतलब कि जैसे हम लोगों के यहाँ रोड और घर है वैसे ही इस गांव में पानी और घर है। यहाँ के लोगों को कहीं जाना होता है तो ये चलकर या फिर नाव के द्वारा जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, साल 2011 में एक इंसान जिनका नाम था रिचार्ड जेम्स वेरॉन, इसने बैंक जाकर $1 की चोरी किया, वो भी जानबूझकर, ताकि वो जेल जा सके और जेल में फ्री मेडिकल चेकअप मिल सके, मतलब। फैक्ट नंबर 16, समुद्र के लगभग सभी जेलीफिश 98% वाटर से बने होते हैं। अगर आप इसे पानी से बाहर निकालकर धूप में रखेंगे तो कुछ समय बाद ये जेलीफिश इवोपरेट हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 15, पुराने समय में एक कफ हुआ करता था जो कि कुछ ऐसा दिखता था और ये इस तरह से बनाया गया था कि अगर आपकी बड़ी मूंछ है तो आपका मूंछ चाय में ना जाए, इसके लिए इस कप को ऐसा शेप दिया गया। फैक्ट नंबर 14, सूडान के जो पिरामिड है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी पिरामिड है वो इजिप्ट के पिरामिड से 2000 साल पुराने है। इजिप्ट का पिरामिड लगभग 5000 साल पुराना है, वहीं सूडान का पिरामिड 7000 साल पुराना है और इजिप्ट में लगभग 200 से 250 पिरामिड है जबकि सूडान में 2000 से ज्यादा पिरामिड है। फैक्ट नंबर 13, ये जो पिक्चर देख रहे हो ये आपको लग रहा होगा कि ये एडिट की हुई है लेकिन ये एक रियल पिक्चर है और इस जगह का नाम रेनबो माउंटेन है जो कि चाइना में मौजूद है। इन पत्थरों में बहुत ज्यादा मिनरल्स मौजूद है इसलिए इनका कलर ऐसा है। फैक्ट नंबर 12, कि आपने कभी किंग कोबरा का स्केलेटन देखा है? यह है किंग कोबरा का स्केलेटन जो कि ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे ट्रैक वो भी बिना किसी रुकावट का पोर्टुगल से वियतनाम तक है और इसकी लेंथ 17,000 किलोमीटर है। यदि आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेवल करते हैं तो आपको 12 दिन लगेंगे। फैक्ट नंबर 10, एक स्पाइडर है और इसका नाम डार्विन्स बार्क स्पाइडर है और ये स्पाइडर बहुत ही तेज है जो 25 मीटर तक जाल बना सकती है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे कम सोने वाला जानवर जिराफ है और ये 24 घंटे में मात्र 30 मिनट ही सोता है। फैक्ट नंबर 8, प्रॉन्ग हॉर्न नाम के इस एनिमल के पास 10x विजन है, मतलब कि ये इंसान से 10 गुना ज्यादा दूर और 10 गुना ज्यादा क्लियर देख सकता है। यह रात के समय में शनि ग्रह के रिंग को भी देख सकता है। फैक्ट नंबर 7, इस पिक्चर में जो फूल देख रहे हो इसे पृथ्वी पर नहीं उगाया गया बल्कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लैब में उगाया गया था। इसका नाम जीनिया है, यह स्पेस में खिलने वाला पहला फूल था जो 2016 में खिला था। फैक्ट नंबर 6, पेंगुइन्स के अंडे नॉर्मली सफेद दिखाई देते हैं लेकिन बॉयल करने के बाद व्हाइट वाला भाग ट्रांसपेरेंट हो जाता है क्योंकि ग्लाइको नाम का एक प्रोटीन होता है जो आमतौर पर मुर्गी के अंडे को सफेद बनाता है। इस प्रोटीन की मात्रा पेंगुइन्स के अंडे में कम होती है इसलिए इनके अंडे बॉयलिंग के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। पेंगुइन्स के अंडे में पेनल ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो अंडे को लो टेम्परेचर से बचाता है। फैक्ट नंबर 5, एक जापानीज डिजाइनर है और इनका नाम यासुहिरो सुजुकी है। इन्होंने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जो एकदम बैग के चैन की तरह दिखता है, इसे जीपर बोर्ड कहा जाता है और ये जब पानी पर चलता है तो ऐसा दिखता है जैसे पानी को खोल रहा है। फैक्ट नंबर 4, ये है निकोला टेस्ला का पिक्चर और ये कोई पेंटिंग नहीं की हुई है बल्कि इसे कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बनाया गया है, जैसे ये है एसी, ये कैमरा, ये रेडियो और ये है लाउड स्पीकर। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे फायदेमंद वाला फल कौन सा है? शायद आपको नहीं पता होगा, एवोकाडो यह दुनिया का सबसे फायदेमंद वाला फल है और इसमें 25 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, आग तो आपने देखा ही होगा, ये विजिबल होते हैं पर एक अलग टाइप का आग होता है, इसे मेथेनॉल फायर कहते हैं। ये इनविजिबल होते हैं, मतलब कि मेथेनॉल फायर कहीं पर लग गई तो दिखाई नहीं देगी, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, ग्रैंडला नाम का एक बर्ड होता है। यह बर्ड की ऐसी प्रजाति है जिसमें मेल और फीमेल का कलर अलग अलग होता है, जैसे कि इनके झुंड में देख सकते हैं ये जो ब्लू है ये मेल है और ये जो ब्राउन है ये फीमेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।